मूवी की स्टार्टिंग होती है, हम तीन लड़कियों का स्क्वाड दिखाया जाता है जो कि म्यूटेंट गर्ल स्क्वाड होती है। वो तीनों एक सोल्जर के साथ गैंग फाइट कर रही होती है। उनकी स्क्वाड की एक मेंबर रिन एक सोल्जर पर ऐसा अटैक करती है जिससे उसके सर के दो हिस्से हो जाते हैं और सोल्जर उसे अटैक करते हैं। तभी उनकी एक्वाड के एक और मेंबर राई आ जाती है, वो सोल्जर का सर काट कर उसे अलग कर देती है। तभी बाकी सोल्जर भागने लगते हैं। तब हम इस ग्रुप के तीसरे मेंबर योशी को देखते हैं जो कि एक सोल्जर को किस कर देती है जिससे उसके दिमाग में एक अजीब सा लिक्विड चला जाता है और उसके सर ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें कहानी एक मंथ पहले दिखाया जाता है जहां रिन स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि आज हम तुम्हें एक सरप्राइज देंगे बट पहले तुम स्कूल से आ जाओ। रिन बहुत खुश होती है लेकिन स्कूल जाते ही वो सैड हो जाती है क्योंकि उसे वहाँ कुछ बच्चे रोज परेशान करते थे। वो क्लास में जाके देखती है तो उसके बेंच पर बहुत सारा कूड़ा फैला होता है जिसे देख के वो काफी गुस्सा होती है और उसका हाथ अचानक से वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन वो इससे परेशान होकर अपने हाथ को काटने की सोचती है बट जब वो अपना हाथ काट रही होती है तभी उसकी एक और क्लासमेट उसे देख रही होती है इसलिए वो कट नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की रिन को रोज परेशान करती थी वो उससे आके माफी मांगती है बट वो एक झूठ था और वो इस बार रिन को हिट कर देती है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बेड पर पड़ा हुआ देखती है। तभी वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरा चश्मा कहाँ है बट डॉक्टर उसे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम एक म्यूटेंट हो। इसलिए डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देने लगती है। देखते ही देखते उसकी बॉडी पे बहुत से चेंज आने लगते हैं, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो जाती हैं। जैसे ही डॉक्टर उसके पास आती है तो उसके हाथ से एक रस्सी जैसी चीज निकलती है जिससे डॉक्टर का कान कट जाता है और वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। फिर रिन वहाँ से घर आती है और देखती है कि उसके पेरेंट उसके लिए केक का सरप्राइज रखा है बट वो खुश नहीं होती और रोने लगती है। और फिर उसका डैड उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताता है, इसी के साथ वो उसे अपनी बॉडी दिखाने लगती है जिसे देख के रिन पूरी तरह डर जाती है क्योंकि उसके डैडी के बॉडी पार्ट्स बाहर निकले होते हैं। लेकिन उसकी माँ भी उसे समझाती है कि उनकी बातों के दौरान ही कुछ सोल्जर्स उन पे हमला कर देते हैं जिनका नाम नोज बुलेट सोल्जर होता है। उस अटैक के दौरान उसकी माँ का सर बुरी तरह फट जाता है और उसके वो सोल्जर उसके डैड का सर काट देते हैं जो कि उसके बर्थडे केक पर जाके गिरता है। अब ये सभी चीजें देख के रिन को काफी गुस्सा आता है और उसका हाथ पूरी तरह से एक पावर हैंड में बदल जाता है जिससे वो सभी को मारने लगती है। और फिर वो सभी सोल्जर उसको एक हाथ से मारने की कोशिश करते हैं, इतने में उसकी डैड बिना शरीर के बॉडी खड़ी हो जाती है और सबको मार देती है। अब उसका फादर हेड कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब जब वो बाहर आ जाती है तभी भी वो सेफ नहीं होती और एक आदमी उस पर फायर कर देता है लेकिन रिन उसके सर को तीन हिस्सों में काट देती है और वहाँ से चली जाती है। वो सब कुछ एक लाइव न्यूज चल रहा था जिससे ये वीडियो सब देख लेते हैं। और रिन भागती हुई एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ उसकी हेल्प फीमेल सर्वेंट करती है लेकिन मेल सर्वेंट उस पर एक चाकू से अटैक कर देती है लेकिन वो चाकू रिन के बजाय उस फीमेल सर्वेंट के सर में घुस जाता है जिससे वो वहीं पर मर जाती है। अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है, देखती है कि वहाँ बहुत से लोग उसे मारने के लिए आए हुए हैं। वो उन सभी लोगों को बड़े बहरेमे से मारने लगती है और सबको मार देती है। अब वो इतने सारे डेड बॉडीज को देखकर काफी घबरा जाती है क्योंकि वो ही सबके कातिल है। तभी पीछे से एक आदमी उस पर गन पॉइंट तक कर देता है लेकिन वो उसे मारती नहीं है क्योंकि रिन अब मरना चाहती थी क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जिससे वो लोगों को मारे। तभी एक औरत आके उस आदमी का सर काट देती है और रिन को देखती है कि उस औरत के साथ उसकी एक क्लास फ्रेंड भी है। वो दोनों रिन के एक ऐसे स्कूल में ले जाते हैं जहाँ उन्हें म्यूटेंट की शक्तियों के बारे में पढ़ाया जाता है। वहाँ वो देखती है कि उसके जैसे और बच्चे वहाँ पे पहले से ही है। अब हमें वहाँ बताया जाता है कि म्यूटेंट वहाँ पर इंसानों से पहले भी रहते थे लेकिन जब इंसानों ने कब्जा किया तब से उन्होंने हमारी जिंदगी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी। अब वहाँ रिन को एक स्टील मार्क्स दिया जाता है। वो वहाँ परेशान हो जाती है और डरती है क्योंकि वहाँ की सभी लड़कियां उसे अपने पावर दिखाती है। ऐसा देख के वो वहाँ से भागने लगती है लेकिन उसे एक लड़की रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम हमारे जैसी ही हो और तुम्हें यही रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ योशी नाम का एक नर्स आती है जिसके बिहेवियर रिन को काफी अच्छा लगता है और वो रिन को कहती है कि तुम्हारा मास्क उतर जाएगा जब तुम्हें अपनी शक्तियों का कंट्रोल अच्छे से करना आ जाएगा। तभी योशी रिए को बोलते हैं कि तुम्हें किसारगी बुला रही है तो, और जो उस स्कूल की हेड होती है किसारगी एक लड़की के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो रिए को कहती है कि तुम्हें उन सभी लड़कियों को ट्रेनिंग देना होगा क्योंकि तुम ही ये काम कर सकती हो। और फिर सभी लड़कियां ट्रेनिंग कर रही होती है। रिए रिन को शूट देती है और कहती है कि तुम इसे पहन के मुझसे लड़ोगी। जब वो लड़ते हैं तो रिन रिए के ऊपर अटैक
अटैक कर देती है। उसके अटैक करते हुए शूट से अलग एक चिंगारी निकलती है और रिन दूर जाके गिर जाती है। रिया कहती है ये एक स्पेशल सूट है जिसे तुम्हें अच्छे से पहनना होगा। अब हम देखते हैं कि रिया रिन पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जिससे रिन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो रिया के ऊपर अटैक कर देती है जिससे उसका मास्क निकल कर नीचे गिर जाता है। तभी वही किसारगी आ जाती है और वो रिया रिन को बताती है कि तुम एक स्पेशल म्यूटेंट हो क्योंकि तुम्हें एक जनरल को मारना है जो कि इस दुनिया में म्यूटेंट को हटाना चाहता है। और दूसरी रिन की तबाही की वजह से वहाँ के लोग काफी डरे हुए होते हैं इसलिए जनरल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और कहता है कि हमारे पास एक ऐसा रोबोट है जो म्यूटेंट से आसानी से लड़ लेगा। जैसी वो रोबोट को दिखाने वाली होती है तभी वहाँ रिन और रिया वहाँ आ जाती है। वहाँ की सभी गार्ड को बेरहमी से मारने लगती है और जैसी वो एक जनरल को मारने लगती है तभी पीछे वो रोबोट आ जाता है और वो रिन पर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ योशी आ जाती है और वो एक ऐसा लिक्विड फेंकती है जिससे वो रोबोट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वहाँ किसारगी आ जाता है और उस जनरल को भी मार देता है। लेकिन जब वो आ रहे होते तो रिन देखते हैं कि हमारी वजह से बहुत से निर्दोष लोग भी मर गए हैं और ये सब वो सोच के बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसके ख्याल में उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे अपने दिल की सुनने को कहते हैं। तभी उसे एक बुरा सपना भी आता है कि किसारगी उसे बड़ी बेरहमी से मार रहा है। तभी उसे होश आ जाता है और उसके पास यूसी होती है। रिन उसे कहती है जो कल हुआ क्या वो सही हुआ। यूसी उसे जवाब नहीं देती और उसे लड़ने लगती है लेकिन उन्हें रियलाइज हो जाता है कि एक अच्छे दोस्त हैं उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ये सब रोक देंगे क्योंकि स्कूल के बाकी म्यूटेंट भी शहर में तबाही मचा रहे थे। अब यूसी वहाँ के म्यूटेंट से लड़ रही होती है और उन्हें मार देती है और दूसरी तरफ रिन रई से लड़ रही होती है और किसारगी अब वहाँ के प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है और अब वो ताकतवर हो चुका था क्योंकि उसने अपनी देवी को जगा लिया था और वो सभी सोल्जर्स को बेरहमी से मारते हैं। अब यूसी एक म्यूटेंट से लड़ रही होती है जो कि काफी डेंजरस होती है। उसकी बॉडी से आग निकल रहा होता है और दूसरी ओर वो रिन राय से लड़ते हुए उसे एहसास दिलाती है कि हमें ऐसे इंसानों को मारना नहीं चाहिए। उसे एहसास हो जाता है और वो उसके साथ हो जाती है और वो दोनों किसारगी से लड़ने के लिए चले जाते हैं। दोनों उसे लड़ रहे होते हैं तभी यूसी एक खतरनाक म्यूटेंट की पावर्स को अपने अंदर सोख लेती है और उसको एक रॉकेट बनाकर किसारगी से टक्कर करवा देती है जिससे वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और किसारगी और वो म्यूटेंट दोनों वही मर जाते हैं। अब वहाँ प्रेसिडेंट जिंदा होता है तो वो सोचता है कि इसका क्या करे। तभी प्रेसिडेंट उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इसलिए वो तीनों उस प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।